नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। एमएलवी वेब सर्विसेज की मदद से ले जाइए अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर। बनवाइए हर तरह की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और हर तरह की वेब सर्विसेज अपने बिजनेस के लिए। मध्य प्रदेश के विदिशा में आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जो बिल अध्यादेश पास हुआ है वह बिल रोका जाए। विदिशा संवाददाता सौरभ दुबे की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। पूरे प्रदेश में आज के दिन हमारी पार्टी जिला मुख्यालय पर कलेक्टर जी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे रही है। इस ज्ञापन में हमारी दो मांगे हैं। एक मांग तो ये है कि ये जो अध्यादेश इन्होंने गैर संवैधानिक तरीके से पास करवाए हैं राज्यसभा के अंदर, वो राष्ट्रपति महोदय उस पर हस्ताक्षर ना करें और इसको कानून बनने से रोकें। हमारे नंबर दो, जब गैर संवैधानिक तरीके से इस अध्यादेश को पारित करवाया जा रहा था राज्यसभा के अंदर, तब विपक्षी सांसदों ने वोटिंग करवाने की मांग की, लेकिन इस वोटिंग को नहीं माना गया, उनकी बात को नहीं माना गया और उठा करके ध्वनि मत से इसको पास करवा दिया, जो कि गैर संवैधानिक है। ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ कि मांग की जाए वोटिंग की और वोटिंग ना करवाया जाए ध्वनि मत से। दुनिया को मालूम, सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा के अंदर बहुमत नहीं है। उनके जो घटक दल थे उन्होंने भी इसका विरोध किया था, जैसे अकाली दल थे, अन्ना द्रमुक है, TRS है, इन्होंने भी विरोध किया था इस अध्यादेश का। इन्हें मालूम था कि ये हमारा अध्यादेश ये हमारे से गिर जाएगा और इस वजह से इन्होंने जो है गैर संवैधानिक तरीके से नज़रअंदाज करते हुए विधायक वहाँ के सांसदों की बातों को और उन्होंने ध्वनि मत से पास करवाया। एक काला दिन, एक काला कानून चाहते हैं कि इसको वापस लिया जाए, कानून बनने से रोका जाए, राष्ट्रपति भवन इस पर दस्तक ना करें। धन्यवाद।